शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छाई माई आजा निंदिया, सात सुरों का लेके बाजा आजा निंदिया। अब तेरे बाबा आ जाएंगे, इतना खिलौना लाएंगे। देखा, तेरे बाबा आ गए। आ गए जी आप। मुझे पहचान लिया आपने जी? क्यों नहीं, आप मालिक मकान हैं। आपके बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है। मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे, इतने दूर से आया हूँ। लेकिन इस वक्त क्या काम आ पड़ा? 2 महीने से किराया नहीं मिला, इसलिए मुझे खुद यहाँ आने की तकलीफ करनी पड़ी। जी देखिए, बात यह है कि मुन्ने के बाबूजी 6 महीने से कंपनी के काम पे दौरे पर गए हुए हैं। कल सुबह आपको किराया पहुँचा दूंगा। खैर कोई बात नहीं, आप लोग बेगाने थोड़ी हैं जो किराए के लिए मुझे परेशानी हो। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि आप और मेरी पत्नी इतनी अच्छी सहेलियां, आपके पति के कभी दर्शन नहीं हुए। थोड़ा सा पानी पिला देंगे? जी जरूर। कमबख्त प्यास अब भी नहीं बुझी। तो और पानी लाओ। नहीं सीधा, नहीं। इस प्यास की बात मैं नहीं कह रहा। ये क्या कह रही? जब पहली बार तुम किराया देने मेरे घर पर आई थी, उस वक्त से मेरे दिल में जो आग लगी है वो बुझाई नहीं पूछती। क्या हो गया आपको? उस पर जो बीत रही है वो सुना रहा हूं। सीता, सीता, दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी सारी जायदाद दौलत तुम ले लो, मगर मेरे दिल के आग बुझा दो। छोड़िए, छोड़िए। नहीं सीता, छोड़ दो। आपको शर्म नहीं आती? एक अकेली ब्याह औरत से आप प्रेम कथा छेड़ रही हैं। आपकी बीवी मेरी बहन की तरह। छोड़िए, क्यों इसकी हजत में पड़ी हो? इस मस्त जवानी को क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हारा आदमी 6-6 महीने बाहर रहता है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। इन सोने रातों में क्या तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती सारे की? छोड़ दो, नहीं तो शोर मचा के गली मोहल्ले वालों को जगा दो। क्यों, बस खामोशी हो सकती है? छोड़, 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 छोड़। तुमने दरवाजा खोला तो बाहर कौन खड़ा था?
हमारा मालिक मकान। मालिक मकान? कौन है मालिक मकान? वो यहाँ क्यों आया? न जाने उसके मन में शैतान कहाँ से जागा। उसने मुझसे उल्टी सीधी बातें की और मेरी तरफ बढ़ा। किसी न किसी तरह मैंने अपना धर्म अपने आबरू बचा लिया। कुत्ता, जिस शख्स ने तुम्हारे पवित्र शरीर को हाथ लगाया मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। शांति शांति से काम लीजिए, वो बहुत अमीर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इंसान की दौलत पैसा नहीं बल्कि उसकी इज्जत होती है। कोई शख्स आकर समझती मेरी इज्जत लूट जाए और मैं खामोश रहूं, इतना बुद्धि नहीं हूं मैं। सीता छोड़ दो मुझे। भगवान, मैं क्या मालूम होता है कि धोखे में तुम्हारी सहेली का खून करके आ गया। चुप जाइए। नहीं नहीं चुप जाइए, भगवान के लिए चुप जाइए ना। नहीं खबर मिली है कि आपके पति ने श्रीमती रत्ना शंकर का खून किया है। खून? जी हाँ, कहाँ है वो? वो तो यहाँ नहीं आए। जाएगा कहाँ? घर हाजिर है, देख लीजिए ना। अच्छी बात, तुम इधर देखो, तुम उधर जाओ। तो खूनी की पत्नी है और तेरा बच्चा खूनी का बेटा, और इस समाज में एक खूनी के लिए कोई जगह नहीं। कहां कहां लिए फिरेगी अपने बच्चे को, किस किस को बताएगी कि ये बच्चा एक अच्छे आदमी की औलाद है? कौन विश्वास करेगा कि एक मालदार दीवाने की वासना ने तेरे भरे घर में आग लगा दी? तेरे लिए अब कोई जगह नहीं, तेरे लिए अब कोई जगह नहीं, तेरे लिए अब कोई जगह नहीं। तेरी आराधना से ये बच्ची मुझे मिली थी, आज उसी बच्चे को तेरे चरणों में रखकर अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। मुझसे ऐसा काम हो गया जिसकी सजा में तूने इस बच्चे की मां को मुझसे छीन लिया। भगवान, मैं क्षमा का अधिकारी नहीं हूं, मैं पापी हूं, लेकिन इस बच्चे के लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं कसम खा के कहता हूं भगवान, आगे की सारी जिंदगी मैं तेरी भक्ति में गुजारूंगा। अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही, तेरी हो गई। मैं हमेशा दूसरों के काम आऊंगा भगवान, मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो।
अरे ये को बेटे, बेटे तेरा नाम क्या है? तेरे तेरे बाप की तरह माँ की तरह तेरी? देखो बेटे, बच्चे देखो साहब, इस बच्चों का पहचानते हैं? नहीं। अरे कोई है? अरे इस बच्चे को कोई पहचानता है? देखिए ये बच्चा, अजय खैर जिसका कोई नहीं होता भगवान तू उसका होता है, और कौन जाने भगवान तू मेरी परीक्षा लेता हो। बड़े आनंद में आपका बच्चा। शंकरलाल जी, मुझे आप पर बड़ा गर्व है। मैंने कम देखे हैं ऐसे लोग जो अनाथ बच्चों से इतना प्यार करें। आपकी जो लगन बच्चे के संबंध में आज से 20 वर्ष पहले थी, वही आज तक है। होनी ही चाहिए दुबे साहब, वो मेरी पूजा है, मेरी बंदगी है। आप तो जानते हैं मैंने उसे भगवान के दरवाजे पे पाया था। अच्छा ये तो बताइए उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अजी एक्सेलेंट, कॉलेज में सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा हंसमुख और सबसे ज्यादा शरीफ। वेरी गुड वेरी गुड, मुझे दर्पण से यही उम्मीद थी। लेकिन दुबे साहब, उसे ये तो पता नहीं चला ना कि मैं ही उसका पालने पोसने वाला हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने एक दो बार पूछने की भी कोशिश की लेकिन मैं टाल गया। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा अब मेरे बेटे आरती के बारे में बताइए, कैसा लिखती पढ़ती है वो? आरती का क्या पूछते हैं आप, वो तो आपकी बच्ची है। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब तो उसकी तारीफ करते करते थकते ही नहीं। अच्छा। बस यूं समझ लीजिए कि कॉलेज में कभी आरती फर्स्ट, कभी दर्पण फर्स्ट। अरे दर्पण, अरे यार कल रात को पिक्चर उचर देखी? अरे यार क्या पिक्चर उचर देखी, ये वार्डन तो हॉस्टल से निकलने ही नहीं देता। क्या बात है यार। अरे यार ये जो आ रही है ना, ये कॉलेज छोड़कर जरूर आ पड़े। अंदाजा लगा है। अरे यार देखता नहीं चाल कैसी चल रही है, हॉकी कंधे पे रख के जैसे किसी से लड़ने जा रही है। ये जो बीच वाली है ना यार, ये जरूर कॉलेज छोड़कर एयर होस्टेस बनेगी। कैसे बनेगी? अभी से टॉफियां बांट रही है। पार्टनर इधर भी नजर डालो। लेफ्ट पार्टनर। अरे यार ये जो 200 पाउंड का तोप का गोला गया है ना, अगर अब अपने देश की किसी दुश्मन देश के साथ लड़ाई छिड़ी ना, तो पेटेंट टैंक की जगह इसे इस्तेमाल करें। भी ला रही है।
हाय क्या सुनते हैं, क्या चाल है इसको तो देख क्या हुआ है। क्या हुआ भाई? अरे यार आरती को देख के तुम्हें सांप तो आरती क्या आरती है, क्या बात है, नागन जैसी चाल है सारी। यार क्या बोलूं, इसके बारे में कई बार कुछ एडजेक्टिव्स बनाने की कोशिश की लेकिन यार कुछ बनता नहीं। जान पड़ता है आपकी इसकी तीरे नजर के घायल है। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, बहरहाल इसके नए नक्श दिल में चुभते जरूर। पार्टनर अगर एक दावा बड़ा बड़ा करते हैं आप तो अगर एक काम करके दिखाओ तो मैं जानू। बोलो। अगर आरती की जुल्फों में ये फूल लगा है तो 100 रुपया इनाम दूंगा। हो जाए यार, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। फूल और वो रही आरती। आरती अरे लगा कर आना मेरे दोस्त। आपके हाथ से लेगा तो बहुत खुश होगा। नहीं प्रिंसिपल साहब, कुछ बातें अचानक तौर पर ही होनी। मेरे घर पे आने के बाद जब उसे पता चलेगा कि मैं उसे पालने वाला हूँ तो उसे कितनी खुशी होगी। क्यों? करेक्ट। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे अपनी बेटी आरती से मिलना है। हेलो डैडी, मॉर्निंग सर। थिंक अबाउट द डेविल एंड शी इज हियर। डैडी मुझे आप पर बहुत गुस्सा है। ठहरो ठहरो ठहरो, प्रिंसिपल साहब ये मुझे पहले बताइए कि ये मेरी शैतान पढ़ाई में है कैसे? फर्स्ट क्लास। गुड गुड, अब बताओ क्यों मुझ पर गुस्सा आया? आप कॉलेज डे पर क्यों नहीं आए? ओह आई एम सो सॉरी बिटिया, देखो ना कि कॉर्पोरेशन कामों में इतने झगड़े चल रहे हैं आजकल के मुझे सर उठाने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा मुझे माफ कर दिया ना। हाँ डैडी। और देखो बेटा एग्जामिनेशन खत्म होते ही स्ट्रेट वे घर पे आना। अच्छा। पिछले साल की तरह नया प्रोग्राम नहीं बनाना। और देखो सेहत का ख्याल रखना।
और साथ साथ पढ़ाई का भी। ओके डैडी, मे आई गो सर? थैंक यू। थैंक यू प्रिंसिपल साहब। थैंक यू। मे आई कम इन सर? ओ दर्पण, आओ आओ, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। क्यों सर? ये कोई साहब है जो अपना पता और ये चेक तुम्हें दे गए हैं। इम्तिहान खत्म होने के बाद तुम्हें फौरन के पास पहुंचना चाहिए। सर मेरा कौन है इस दुनिया में? आप तो जानते हैं मैं अनाथ हूँ। बेटे, अनाथ तो सारी कौम का बच्चा होता है, दिल थोड़ा मत करो। और फिर तुम्हारी काबिलियत और मेहनत से इस कॉलेज का नाम रोशन है और हम सब का सर ऊंचा है। मैं आपका मशगूल हूँ सर, आप ही की छाया तले बड़ा हुआ हूँ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब कुछ आप ही की कृपा और प्रेम है। भगवान तुम्हें इज्जत दे। मैं चलूं सर? विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। स्टेशन पर मुलाकात हुई थी। कैसे हैं? बड़े मजे में हूँ, तुम अपनी सुनाओ। मैं भी छोटी सी मजे में हूँ। इसी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं? सिर्फ इसी गाड़ी से नहीं तो इसी जगह से भी। फिर तो खूब गुजरेगी। अच्छा आरती, मैं अपने मिस्टर को ढूंढ रहा हूँ, अभी तक सामान लेकर नहीं आए। अच्छा, तू शादी भी कर ली? तुम्हारे मिस्टर भी साथ चल रहे हैं? नहीं, सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए आए हैं। अच्छा, तो ये बात है। चल हट, मैं अभी आई। मैं भी बुक स्टॉल से दो चार किताबें खरीद लूँ। अच्छा। Yes, madam. Give me intimate, please. This is your seat. Thank you. Miss Aarti, शायद वही होगी। How much is it? 4 rupees. Thank you. मारे गए। सो गई है? तरह से नींद ले लूं, फिर बातें करूंगी। इतनी देर कर दी आपने। क्या करूं, घर से इंक्वायरी पर टेलीफोन आ गया था। माँ को फिर से दिल का दौरा पड़ गया है, तुम्हारा टिकट भी तो वापस करके आ गया हूँ। चलो जल्दी करो। सामान कहाँ है? टैक्सी में रखा। चलो चलो चलो। अरे जाग ना, क्या गुजारसी पड़ी है? बीमार है क्या? हाँ, क्या बीमारी? अरे वही औरतों वाली बीमारी। अपने मिस्टर से तो मिलवाया ही नहीं, उन्हें फैक्ट्री जाने की जल्दी थी। ये कबूतर तूने ढूंढा कहाँ से? अरे अपने आप उड़कर मेरे जाल में फंस गया था। कॉलेज में थे तो लड़के परवानों की तरह इतने आगे पीछे फिरते थे। अच्छा, मैं भी जरा कपड़े बदल लूं। शादी के बाद का कोई किस्सा? पहली रात खूब शर्माई लज्जाई होगी। छी, ये भी कोई पूछने की बात है? हाय, क्या हुआ? हाय मेरी कमर। क्या? अरे बहुत दर्द हो रही है। दर्द हो रही है? हाँ। तो लाओ, मैं मसाज की देखती हूँ। हाय, हाय। बोल, कैसा लगता है? कुछ कुछ अच्छा लगता है। अच्छा? अरे कुछ अपनी भी तो सुना, कोई रोमांस, लव अफेयर, प्यार मोहब्बत। ना बाबा ना। अरे तू तो प्यार का नाम सुन के ऐसे चिल्लाई जैसे किसी सांप ने काट लिया हो। मुझे तो मर्दों से नफरत सी हो गई है। एक बार कॉलेज स्टेज पर ड्रामा खेल रही थी, मेरे सामने एक हट्टा कट्टा हीरो था, उसने मुझे ऐसे बाहों में जकड़ा जैसे जन्म जन्म का भूखा। क्या नाम था उसका? दर्पण। अरे फिर उसी को फांस लिया होता, किसी ना किसी खाट नाव पार तो लगती तुम्हारी। तो क्या मैं किसी भी राह चलते की उंगली पकड़ लूंगी? तो क्या सारी उम्र कुंवारी बैठी रहोगी? अरे इतने जोर का जुकाम, सर्दी के मारे तेरा बदन भी कांप रहा है। लग रहा है? नहीं नहीं, अंगीठी तो मेरे पास है, अब कुछ आराम है। अरे क्या, कौन हो तुम?
यू स्काउंडल इडियट। ना मैं स्काउंडल हूँ और ना ही मैं इडियट, मैं हट्टा कट्टा दर्पण हूँ। अच्छा तो मेरा पीछा कर रहा है, अभी मैं जंजीर खेत से मजा चखाती हूँ। मिस, पहले ये सोच लो कि जंजीर खींचने का 250 रुपए जुर्माना है और फिर मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट भी है, रिजर्व भी है और ये डिब्बा भी मर्दाना है, सनाना नहीं, और ये गाड़ी सरकार की है, आपके बाप की नहीं, आपकी नहीं। लेकिन लेकिन मैं ये रिपोर्ट तो लिखवा सकती हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया, सफर में परेशान किया। परेशान? हाँ? परेशान तो तुमने किया कि एक ब्रह्मचारी के सामने कपड़े बदलने शुरू कर दिए। अच्छा मिस, जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। ये डब्बा और ये सफर आपको मुबारक, मैं चलता हूं। ये क्या कर रहे हो? चलते गाड़ी से कुत्ते मरना चाहते हो? ये तो छोड़ दो, मैं मरना चाहता हूँ, मेरे पीछे मेरा रोने वाला कौन है? मैं क्यों उम्र भर रोने के लिए? सच? मेरा मतलब है कि उम्र भर मुझे ये पछतावा रहेगा कि मेरे लिए किसी ने जान दे। अपनी सीट पर बैठ जाओ। ठीक है, तुम कहती हो तो। कहाँ उतरोगे? अगले स्टेशन पर। मुझे भी वहां उतरना है, कौन से मोहल्ले में जाना है? एड्रेस है मेरे पास। आप जानती हैं? हाँ। स्टेशन से जगह कितनी दूर है? स्टेशन से? स्टेशन से सीधे रिलीफ रोड पर 2 फरलांग चले जाना, वहाँ से एक चौक है, चौक से दाएं पीपल वाली गली में चले जाना, वहाँ कोने पर एक बड़भूंजे की दुकान है, वहाँ से बाएं चाट की दुकान से घूमकर दाएं चले जाना, वहाँ एक पनवाड़ी की दुकान है, पनवाड़ी से बनारसी पान खरीदोगे तो आगे का पता वो सही सही बता देगा, समझे? समझा। क्या समझा? सब समझा। बेबी रानी, अरे अरे टैक्सी में आने की क्या जरूरत थी? 2 पैसे का चिट्ठी पत्ता डाल दिया होता तो बड़े सरकार गाड़ी न भेज देते भर से। अरे चुप रे। अरे राजा बेटे, कैसा है तू? मैं तो अच्छी तरह हूँ, लेकिन स्टेशन पे गाड़ी क्यों नहीं आई? मैंने तो चिट्ठी लिखी थी। हाय हाय, लो सुनो, अरे आग लगे डाकखाने वालों को, शादी की चिट्ठी मुर्दों के घर में भेज देवे हैं और मुर्दे की चिट्ठी शादी के घर में भेज देवे हैं। अब रोया करो। अच्छा, अब सामान उतारो। हाँ तो उतार लो। अरे बड़े साहब तो कमेटी वालों की मीटिंग में गए हैं। जी क्या आप शंकरलाल जी? हाँ बेटा, मैं ही शंकरलाल हूँ, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अरे मैं क्या, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा लड़का, सब तेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे बलवा घोड़े भी नहीं आए, शेरा कहाँ है? बाराती नहीं, बाजे नहीं बजेंगे, शहनाइयाँ नहीं बजेंगी। जी, 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 जी मैं शंकरलाल जी से मिलने आया हूँ। अरे बेटे, मैं कौन सा कंकर पत्थर हूँ, मैं ही तो शंकरलाल हूँ। बैठो बेटे। बेटे तेरा नाम क्या है? जी हाँ? जी मेरा नाम, जी मेरा नाम दर्पण है। दर्पण? दड़पना झूठ ना बोले, दड़पना झूठ ना बोले। मेरी बेटी है। लेकिन ये क्या कर रहे हो? जीजा जी, मैं आपका होने वाला साला हूँ, आधा घर वाला हूँ, आपको मेरी सेवा के बदले में मेवा देना होगा। मेरी बहन से शादी करने से पहले आपको मेरी लिए लड़की ढूंढनी होगी। मैं 4 दिन पड़ा हूँ। लेकिन लेकिन जरा मेरी भी तो सुनिए, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 5-6 बच्चे हैं। डैडी डैडी, हम उनको भी पालेंगे। लेकिन वो तुमसे बड़े हैं, हम उनको छोटा कर लेंगे। अरे मैं सबके जाऊँ बेटे, तू दहेज वगैरह की फिक्र ना करना, हमें तो बस तेरे जैसे एक चांद सा दामाद चाहिए। चाय पियो और गरम गरम समोसे खाओ, भूख लगी होगी। अरे माँ जी, मिली चाय पिला के क्या रंग जलाएगी बेबी का। अरे बेबी, तुम तो लस्सी पियो ठंडी मीठी, मुँह पे रौनक आएगी, बदन की गर्मी निकलेगी। लो आए तो चुप। आए तो चुप। तो चुप। आए माँ जी, मिली तो चुप। बोलो चुप। शहर की कोई बात बताओ ना बेबी। तो क्या हम गाँव में रहते हैं? अरे बेबी, ये तो छोटा सा शहर है, जैसे मर्दों के अंदर मैं छोटा सा मर्द,
हाय हाय, सुना है बंबई के अंदर बड़े बड़े नजारे होते हैं। अरे वहां तो लड़कियां अलल्ले तलल्ले घूमे हैं, लड़के में और लड़की में पहचान करना मुश्किल है। तुम्हें भी पता चलना मुश्किल है। अरे हाँ वो तो है। लो भाभू बन गया, पर सरकार आ गए। आ गए जी, आ गए। आप विचार आ गए। और साफ साफ लक्ष्मी श्री, लक्ष्मी श्री। ओहो कितनी दुबली हो गई हो। नो डैडी। क्यों नहीं, हॉस्टल में खाना नहीं मिलता क्या? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताओ सफर कैसा कटा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई सफर में? डैडी तकलीफ कैसे, गुड अच्छा खासा सफर कट गया। अच्छा मेरे डब्बे में एक सिरफिरा आदमी मिल गया। सिरफिरा आदमी? हाँ। कौन बिटिया? वो लड़का डैडी जिसको आपने कॉलेज में अवार्ड दिया था। अच्छा 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 वो लड़का। लेकिन उसका शहर में क्या था? पहले तो उसने मुझे हंसी मजाक में बड़ा परेशान किया, अच्छा हमारे घर का पता दिखाया। अच्छा मैंने तो वो पता हवा में उड़ा दिया और उस पगले शंकर लाल के घर का पता बता दिया। पगले शंकर लाल के घर का पता? अरे बिटिया तुमने तो मुझे बड़ी परेशानी में डाल दिया। कहीं माँ से शादी न कराए। बुलगुली तुम हमसे प्यार करता है? तो बुलगुली तो हम दोनों एक काम करें, हम दोनों मिलके यहाँ से भाग चले। काकू किधर ले जाओगे मेरे बालों? गुलगुली मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला है, 5-6 मोटर कार है, तुम इस पागलखाने में क्या कर रही हो? चलो हम दोनों मिलके चैन की बंसरी बजाएंगे। बंसरी है तुम्हारे पास? मेरे पास एक बहुत पुरानी बंसरी है। मेरे डैडी के पास भी बहुत पुरानी बंसरी है। नहीं नहीं, लेकिन मेरी बंसरी बहुत पुरानी है, भगवान कृष्ण के जमाने की है, उनके ग्वाले बजाया करते थे। काना बजाए बांसुरी और गाजा बजाए। ये गाना गाने का वक्त नहीं है। तुम्हें क्या का वक्त है? यहाँ से भाग जाने का वक्त है। सुन सुन सुन, पहले तुम उन सबकी आंखों में धूल झोंक दो, फिर हम दोनों मिलके यहाँ से भाग चलेंगे। अच्छा ऐसा करो तुम इधर ठहरो, हम अपना गाने का बुक लेकर आते हैं। अच्छा मैं चाहिए। बुलबुली एक बात तो बताओ, यहाँ से भागेंगे कैसे? ये देखो ये बाथरूम का दरवाजा है ना, वो सीधा पीछे की गली खड़े से भाग चलेंगे। लेकिन किसी को बोलना है। क्या जवानी पाई है, जी चाहता है कि तुम पानी में डूब जाओ और मैं तुम में। कौन हो तुम? गुस्सा मत कीजिए, ऐसा समय बार बार नहीं आता। कैसे छोड़ दूं ऐसे? अरे ऐसी चीज पाके कोई छोड़ता है वाला? देखो नहीं करते ऐसे। Thank you.
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत उस गुंडे से बचा ली। लेकिन आपने तो मेरी इज्जत खतरे में डाल दी थी उस पागल लड़की के घर में भेजकर। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं जरा उस तरफ, आप उस तरफ। थैंक यू। जी मैं आपको शंकरलाल जी के घर ले चलूंगी। कौन सा शंकरलाल? हाँ मैं तैयार हूँ, चलिए। दादी मैंने एक फैक्ट्री अपनी कार से दिखा ना, यही है श्रीमान। तो यही है वो साहबजादे जिन्होंने तुम्हें गाड़ी में परेशान किया था। यू वेट यंग मैन, मैं पुलिस को अभी टेलीफोन किया देता हूँ। सर पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, इसकी सजा मुझे मिल चुकी है। हाँ डैडी। ऐसी सजा? जी आपकी बेटी ने मुझे एक पागल घराने में भिजवा दिया था, वहाँ जो मेरे साथ हुआ वो कुछ मैं ही जानता हूँ। माफ कर दीजिए डैडी, क्योंकि इन्होंने बुरा काम किया था और एक अच्छा काम भी किया है। अभी अभी गुंडे ने मुझे घेर लिया था, इन्होंने बचाया। थैंक यू यंग मैन, थैंक यू। तो फिर वाकई काबिले माफी है। लेकिन बेटा ये लड़का कुछ जाना पहचाना सा मालूम होता है। जी मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने अपने हाथों से कॉलेज में अवार्ड दिया था। मैं और आरती एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। ओह आई सी, अभी याद आया। जी माफी चाहता हूँ, लेकिन आश्रम के कर्मचारियों ने मुझे आपके पास क्यों भेजा? मेरे पास? समझ में नहीं आता। जी मैं सच कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे आप ही का पता दिया था। हाँ हो सकता है कि तुम्हारे आश्रम के प्रबंधकों ने तुम्हारी गरीबी पर रहम खाकर शायद तुम्हें नौकरी के लिए मेरे पास भेजा हो। एनीवे बेटा आरती ये तुम्हारा क्लास फेलो है, एक मेहमान की तरह इसकी आव भगत करने में कोई हर्ज नहीं। करेक्ट डैडी। और हाँ क्यों ना इसे थोड़े दिन के लिए सर छुपाने के लिए अपने आंगन वाले क्वार्टर में जगह दे दें। करेक्ट डैडी। जी अगर ऐसा होगा तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लुक कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारे पर नजर रखूंगा, अगर तुम मेरे मायार पर पूरे उतरे तो शायद मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। हाँ जी आप जैसे मेहरबान आदमी के हाथों में मुफ्त बिकने के लिए तैयार हूँ। लुक यंग मैन हम कोई चीज मुफ्त नहीं देते। बेटा आरती इनको क्वार्टर दिखा इनका। कम ऑन। थैंक यू सर। लो देख क्या रहे हो दर्पण साहब, क्या घर छोटा लगता है। काफी है काफी है, एक कुंवारे का आश्रम इससे बड़ा और क्या होगा। जहां तुम हो वहां जन्नत है। ये रसोई है। लेकिन अपने किस काम की, पकाने वाली भी तो मिलनी चाहिए। शरीर कहीं के, सच छुपाने को जगह मिल गई है, अब डैडी की सिफारिश से नौकरी भी मिल जाएगी। वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन आदमी के पास दो चीजें हो तो आदमी बादशाह। क्या क्या? एक नौकरी और दूसरी छोकरी। सेठ जमा लागे। रुपया लाए हो? जी हाँ। कितना? जितने का सौदा हुआ था। जी थोड़े से कम है, यही कोई 7-4। हमारा माल खा जाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। हम किसी से सौदा करने से पहले उसका एक्सरे कर लेते हैं। बोलो माल कम क्यों है? लड़ाई के कारण लोगों ने माल अंदर कर लिया, शायद वो लोग नोटों के साथ मरना चाहते हैं, इसलिए धंधा आगे नहीं बढ़ा और रुपए कम पाए हैं। ओ, तो तुम माल अंदर करने वालों में से नहीं हो। जी असली है। हम धंधा खोटा नहीं करते हैं, हमारा बिजनेस इंटरनेशनल है। रॉबर्ट। यस बॉस। इसे ले जाओ।
तुम्हारे माथे पर ये चोट कैसे लगी? डैडी मैं एक लड़की की मदद करना चाहता था। लड़की की मदद, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। डैडी मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं उस लड़की की मदद करना चाहता था और एक गुंडे ने और उसने आगे तुम्हारी हालत कर दी। चलो अच्छा हुआ शेर को सवा शेर तो मिला, इसीलिए कहता हूं कि ज्यादा शेखी अच्छी नहीं। जिस आदमी ने तुम्हें मारा वो तुमसे जरूर ताकतवर होगा। बच गई, सिर्फ हाथ पर लगी है। लई में बांधे बहुत अच्छी लड़की हो बेटे। क्या नाम है तुम्हारा? जी दर्पण। दर्पण जी दर्पण। ये कौन है? ये आरती है जी। आरती, आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। नहीं बेटे नहीं, फिक्र मत करो, मेरा अपना बेटा आ रहा है, वो मुझे ले जाएगा। डोंट वरी, थैंक यू वेरी मच। डैडी, डैडी, डैडी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटे, मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है। इन लोगों ने मुझे बड़ी मदद की बेटे। ये है दर्पण, आरती, हेलो, और ये है मेरा बेटा कुमार। हेलो डैडी, आइए आपको घर छोड़ दूँ। अच्छा बेटे, अब मैं चल, नहीं बस छोड़। डैडी, यही वो दर्पण है जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था। कुमार, क्यों बच्चों जैसी बातें करते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझ पर उनका बहुत बड़ा एहसान है। डैडी, चाहे कुछ भी हो, आरती से मेरी शादी जरूर होनी चाहिए, और ये दर्पण नाम की चीज हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जानी चाहिए। ठीक है बेटे, परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसे मौका मिलेगा मैं तुम्हारी शादी आरती के साथ करवा दूंगा। थैंक यू डैडी, मुझे आपसे ही उम्मीद थी। हाँ, वेल डन साबू, वेल डन, गुड बॉय, नाइस बॉय, नाइस बॉय। सरकार, जी सरकार। कहो। आज हमें 2 घंटे की छुट्टी चाहिए सरकार। छुट्टी? हाँ। इसलिए सरकार, हम आज अपनी शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं सरकार। आज क्या कहा तूने? बड़े साहब, मुझे भी 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। अब तुझे छुट्टी किस लिए चाहिए? मुझे लड़का देखने जाना है। अरे क्या कह रही है तू, मैं तो तेरी शादी इससे करवाने वाला था। शादी? हाँ? इससे? छी, मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगी।
अरे तेरे कीड़े पड़ जावे, तेरे मुंह में लगे अंगार। अरे कब से छेड़ रही है मुझे, आज तूने मेरी मर्दानगी को ललकार दिया। अच्छा तो अब मैं भी ललक गया हूँ, देख ले शादी करूंगा तो तुझसे ही करूंगा निगोड़ी, और शादी करके चक्की न पिसवाई तो मेरा नाम भी रसिया नहीं, देख लेना। अरे खास समझ सरकार, तुम भी अपनी डायरी में लिख लो आज इस घर से जा तो मेरी शादी की डोली उठेगी, नहीं तो राम नाम सत तो है ही। अरे वो तो सबका ही है सरकार, मेरी छुट्टी कैंसिल, इसकी भी छुट्टी कैंसिल करो। अरे ललक गया हूँ मैं, अरे ललक गया आज। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर अग्निहोत्री, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। मिस्टर अग्निहोत्री, आपने एक शंकरलाल पार्टी के बारे में जिक्र किया था। जी हाँ, मैंने उस पार्टी की बड़ी तारीफ सुनी है, मैंने सोचा कि अगर आपके जरिए एक अच्छी पार्टी से लेन देन हो जाए तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। जी हाँ, आपने ठीक फरमाया, वो भी आप ही की टक्कर के आदमी है। तो फिर ऐसा कीजिए, 15 लाख से 50 लाख तक जहां तक भी उनके पास गुंजाइश हो फाइनेंस का अरेंजमेंट करवा दीजिए। वेरी गुड सर, वेरी गुड, मैं आज ही जाकर पार्टी से बात करूंगा और जहां तक मेरा ख्याल है ये काम जरूर बन जाएगा। थैंक यू मिस्टर अग्निहोत्री, थैंक यू वेरी मच। गुड डे सर। गुड डे डैडी। हाँ बेटे। अगर आप गुस्ताखी न समझें तो मैं आपसे एक बात पूछूं। पूछो बेटे। आपके पास इतना धन दौलत सब कुछ है, फिर आप शंकर आली से इतने रुपए क्यों उधार लेना चाहते हैं? बेटे तुम अभी नादान हो, दुनिया की ऊंच नीच से वाकिफ नहीं हो। शंकरलाल जी से पैसे के जरिए जब दोस्ती पैदा करना चाहता हूं उसमें मुझे तुम्हारी खुशी मंजूर है। तुम्हारे लिए आर्थिक हाथ मांगने से पहले मैं शंकरलाल जी के करीब पहुंच जाना चाहता हूं। अब तो समझ गए बेटे? जी दीदी। गुड मॉर्निंग मिस्टर शंकरलाल। गुड मॉर्निंग शंकरलाल जी, इनसे मिलिए। यह है शहर के मशहूर व्यापारी श्री जसवंत लाल। नमस्ते। और यह है उनके लड़के मिस्टर कुमार। नमस्ते। Hello. अरे बैठो ना, बैठो। माफ कीजिएगा, आजकल मेरी तबीयत अच्छी नहीं रही, घुटनों में दर्द सा रहता है, इसलिए आपका स्वागत नहीं कर सका। अरे रसिया। हाँ सरकार। कुछ ठंडा विंडा लेके आना। लाया। अरे बैठो अग्निहोत्री, बैठो। थैंक यू सर। आपकी तारीफ करते करते इनकी जबान सूखती है। इनकी जरा नवाजी है, मेरे दोस्त हैं। वैसे अपने कारोबारी सिलसिले में हर कानूनी राय नहीं से लेता। वेरी गुड। अरे ला, हाँ लो। शुक्रिया। थैंक यू। कहो क्या बात है दादी? हाँ बेटा। आरती बेटा, ये यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, श्री जसवंत लाल जी। शंकरलाल जी, आपसे मेरी मुलाकात तभी हुई। हाँ। लेकिन इन बच्चों को पहले मिल चुका हूँ मैं। पहले मिल चुके हैं? हाँ, इनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। कैसा एहसान? अरे कार के हादसे में मेरी जान बचाई और मुझे फर्स्ट एड दी। अच्छा ये नौजवान क्या करता है? ये बहुत बड़ा बिजनेस करता है, बेकारी का। बेकारी? इतना इंटेलिजेंट खूबसूरत लड़का बेकार है? शंकरलाल जी आप ऐसा कीजिए, इसे कल मेरे ऑफिस भेज दीजिए। आई विल पुट हिम ऑन अ गुड जॉब। थैंक यू सर। देखो बेटे, कल सुबह तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू। अच्छा डैडी, हम बाहर बैठते हैं। बड़ी खुशी से बेटा। अच्छा जी। हाँ। नमस्ते जी। नमस्ते। तो एक्सक्यूज मी सर, डैडी मैं जरा बाहर। ठीक है, एक्सक्यूज मी। आपका लड़का भी समझदार है, बाप का इशारा समझ गया। जी हाँ जी। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? बच्ची यही एक लड़का है। और आपकी धर्मपत्नी? जी वो सुख तो मेरी जिंदगी से बहुत दिन पहले ही छिन चुका है। अच्छा कनाल जी, आपके कितने बच्चे हैं? बस सारे घर की शोभा यही एक नन्ही सी कली है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपकी धर्मपत्नी? धर्मपत्नी? इस मामले में मैं भी आपकी तरह बदकिस्मत हूं। छोड़े इन बातों को, पुराने जख्मों को क्या कुरेदना। सॉरी। हाँ तो जसपाल जी, बात यह है कि 10-15 लाख जिस रकम की भी आपको जरूरत हो मैं मुनासिब शरायत पर देने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। शंकरलाल जी, ये कारोबारोना संबंध का जो बीज आपने बोया है ये एक दिन फल फूल कर बहुत बड़ा दरख्त होगा और हम एक दूसरे से फायदा उठाते रहेंगे। फायदा और नुकसान सब उसके हाथ में है। खैर आज एक दूसरे से ताल्लुक तो हुआ। शुक्रिया। वो तो ठीक है डैडी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपने दर्पण को इस दफ्तर में नौकरी क्यों दी। बेटे अब्बल तो उसका मुझ पर एहसान है कि उसने कार एक्सीडेंट के बाद मेरी मरहम पट्टी, दूसरे शंकरलाल जी की सिफारिश, और तीसरे वो गरजमंद। लेकिन डैडी आप ये भूल रहे हैं कि वो मेरा दुश्मन है, मेरे प्यार पर डाका डाल रहा है। दुश्मन वो तुम्हारा है, तुम उसके साथ दुश्मनी निभाओ और मुझे अपना काम करने दो। ओहो डैडी, लेकिन जो शख्स मुझे एक आंख नहीं भाता मैं उसे इस दफ्तर में कैसे निभा कर सकता हूं? भूल गए मेरी बात?
दुश्मन से बदला लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, पहले उसे दोस्ती के रास्ते पर लाओ। बॉस? यस मिस्टर दर्पण हैज कम टू सी यू। सैनमैन। ओके बॉस। तो यहाँ आ भी गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था, बड़े वक्त पर आए। पहले मैं तुम्हारी मुलाकात एक बहुत बड़ी हस्ती से करवाता हूँ। साहब ये हमारे ऑफिस के नए मैनेजर हैं, मिस्टर दर्पण। शेक हैंड करो, कम ऑन शेक हैंड। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चलो अब मैं तुम्हें ऑफिस के दूसरे लोगों से मिलवा देता हूँ। जी चलो प्लीज कम। मिस्टर दर्पण अगर तुम एफिशिएंसी से काम करते रहे तो थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद मैं तुम्हें हांगकांग की ब्रांच में भेज दूंगा। दुनिया भर में मेरी बहुत सी ब्रांचेस हैं। ये मेरे असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर रहमान, मिस्टर दर्पण हमारे नए मैनेजर। आदाब सर। ये हमारे चीफ अकाउंटेंट मिस्टर मेहता, मिस्टर दर्पण। नमस्कार। नमस्ते। बड़े मेहनती और ज्ञानदार आदमी। और बाकी हैं मेरे स्टाफ के लोग। All like my office. You're a very fine organization. I'm a man of choice. मेरी PA Miss Lily. Miss Lily, Mr. Darpan हमारे नए मैनेजर। Hello, how do you do? नमस्ते। नमस्ते। She's a very smart girl. सिर्फ एक नुक्स है कि था को थी और थी को था कहते हैं। Oh, boss. Miss Lily, please look after the new manager, eh? Okay, boss. Come, Mr. New Manager. कैसी लगी? क्या? आई मीन हम नहीं, ये जगह कैसी लगी? दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी है। थैंक यू मिस्टर मैनेजर, आप हमको बहुत सही लगती, बिल्कुल हारी की माफी। वो बात की सहन है ना, आई मीन उनकी बेटा, वो तो स्वीट स्वीटी शुगर सब कुछ है। एक बात बोलेगा सच्ची सच्ची? क्या? बात की बेटा कुमार इज अ रियली प्रिंस, हम उसको बहुत लव करता, वो भी हमको बहुत लव करती। दिन को हमारे सामने होती, रात को हमारा ड्रीम में आती। मिस लिली, इन बातों का दफ्तर के काम से क्या संबंध है? ओ मिस्टर मैनेजर, आप भी जलती, हम तो आपको सब कुछ सच्ची सच्ची पहले बता दिया। आरती, हमसे आंखें चुरा रही हो? छोड़ दो मुझे, मैं शराबी के मुंह नहीं लगना चाहती। आज मैंने कहा शराब पी है, मैं तो तुम्हारे प्यार का प्यासा हूँ। प्यास बुझाने के लिए शराब खाने के दरवाजे खुले हैं, मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? छोड़ दो मुझे। आरती। मैं कौन होती हूँ तुझे मारने वाली? मैंने तुझे कौन सा जन्म दिया? लेकिन मैं क्या करूँ, झूठ मूठ की माँ के दिल में सच्ची ममता जगाने वाला भी तो तू है। तूने मुझे माँ बना दिया, लेकिन लेकिन मैं माँ न बन सकी, ये मेरी हार है। मैं हार गई। नहीं माँ, नहीं माँ। मेरे बेटे कुमार डाली, तुम हमसे शादी कब करेगी? कब तक हम अपना रोमांस छुपा के रखेगा? लिली, रोमांस का शादी से क्या ताल्लुक? रोमांस अपनी जगह, शादी अपनी जगह। ओ नो कुमार, रोमांस शादी का फर्स्ट स्टेप होती और शादी रोमांस का आखिरी स्टेप। कुमार, हम तुमको एक बात बोलेगा। जल्दी बोलो। ये जल्दी बोलने का बात नहीं, अभी हम लोगों का शादी दो चार दिन में होना चाहिए। कुमार, तुमको मालूम है हम तुम्हारा बनने वाले हैं। कुमार, व्हाट नॉनसेंस। कुमार, किसका बच्चा, किसकी माँ? कुमार, कुमार, व्हाट यू आर टॉकिंग। इतना दिन तुम हमसे खेलती रही, तुमने हमसे रोमांस किया, ये निशानी तुमने मुझे दी है। कुमार, तुमने मुझे दी है। गेट आउट,
जिसने तुम्हें तोहफा दिया है उसी के पास जाकर ये मोटे मोटे आंसू बहाओ। जो लड़की मेरी बाहों में खेल सकती है वो किसी और की बाहों में भी खेल सकती है। ये तुम कहती है? हाँ, हम कहता है। किसी और की कालिख मेरे सर क्यों थोपती हो? ये लो, अगर जरूरत हो तो किसी नर्सिंग होम में दाखिल होकर अपने गुनाह के अंजाम का इंतजार करो। ये लो। होने वाली माँ का तुमने खूब इज्जत किया, खूब इज्जत किया कुमार। तुम्हारा नाम दर्पण है ना, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन माँ, टूटे हुए दर्पण में चेहरा और भी भयानक नजर आता है। एक दिन वो भी था कि मैं ये खिड़कियां बंद करने लगती थी और तुम खोलने के लिए जिद करते थे, और आज ये खिड़कियां तुम अपने आप बंद कर रहे हो। वो हंसने हंसाने वाला दर्पण कहाँ गया? उजालों से प्यार करने वाला दर्पण अंधेरे को गले क्यों लगा रहा है? माँ, मैं खुद भी नहीं जानता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। मां, तुमने खुद दूसरों का साथ छोड़ा ताकि तुम्हारे दिल में छुपा हुआ राज कोई न जान ले। नहीं मां, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तन्हा रहना चाहता हूं, मुझे अपने आप से ही प्यार हो गया है। अपने आप से? कल रात ही तो नशे में चूर तुम कह रहे थे तुम्हारा सब कुछ आरती है। नशे में दिल की बात जुबान पर आ जाती है। ये झूठा नशा छोड़ दो, प्यार के नशे से बड़ा कौन सा है? मैं ठोकर खा चुका हूं मां, अब शराब के सिवा मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं। तुम झूठी नींद सो रहे हो, जागो बेटे। तुम्हारी मुस्कुराहट आरती की जिंदगी है, तुम्हारे कदमों की आहट उसकी बंदगी है। भले तुम शराबी सही खूनी सही, लेकिन आरती के लिए सिर्फ दर्पण हो। वो इसी दर्पण में अपनी छाया देखना चाहती है। बेटे, माँ की बात नहीं मानोगे, तुझे मेरी सौगंध। जा बेटे, जा। अच्छा माँ। ना 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 विद्या ना, हैप्पी बर्थडे। जसवंत जी, इन बच्चों में हम दो बुड्ढों का क्या काम भाई? कंग्रेचुलेशन। थैंक यू आरती, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। प्लीज बिटिया। थैंक्स लॉट। यू वेलकम। दर्गे सर सब्ज तोहफा दरवेश। मैं इसका मतलब नहीं समझी। मैं समझाता हूं। एक फकीर का तोहफा ये सब्ज पत्ती, और बेचारा दे भी क्या सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं अपने बेटी आरती के सालगिरह पर आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, और वो खुशखबरी यह है कि मैं आरती का हाथ मेरे दोस्त और इस शहर के बहुत बड़े रईस श्री जसवंत लाल के सुपुत्र कुमार के हाथ में दे रहा हूं।
बैठिए बैठिए। चीयर्स। मिस्टर दर्पण, हमें मुबारकबाद नहीं दोगे? कम ऑन, लेट्स टोस्ट। ये टूटी बोतल के टुकड़े ओ सनम बेवफा, हर टुकड़ा है तस्वीर मेरे दिल की बेरहम बेवफा। ये टूटी बोतल के टुकड़े ओ सनम बेवफा। सब के खाली जाम अपने खून से भर दूं, जो ना मंजूर हो तो इससे तोहफा और बेहतर दूं, चरागों को बुझा दूं दिल जला कर रोशनी कर दूं। कहो तो सब के खाली जाम अपने खून से भर दूं, जो ना मंजूर हो तो इससे तोहफा और बेहतर दूं, चरागों को बुझा दूं दिल जला कर रोशनी कर दूं। ये टूटी बोतल के टुकड़े ओ सनम बेवफा, हर टुकड़ा है तस्वीर मेरे दिल की बेरहम बेवफा। सपना तो न था तुमने मगर सपना बना डाला, मुझे पत्थर समझ कर अपने रास्ते से हटा डाला, भिखारी ही तो हूँ अच्छा किया दर से उठा डाला। मैं सपना तो न था तुमने मगर सपना बना डाला, मुझे पत्थर समझ कर अपने रास्ते से हटा डाला, भिखारी ही तो हूँ अच्छा किया सर से उठा डाला। ये टूटी बोतल के टुकड़े ओ सनम बेवफा, हर टुकड़ा है तस्वीर मेरे दिल की बेरहम बेवफा। ओ सनम बेवफा बेवफा बेवफा। देख लिया मां, और आरती की सगाई का समाचार भी सुन लिया, अब तो तुम्हारा जी ठंडा हो गया ना? मैं तुम्हारे कहने पर वहां गया था, फूल लेकर गया और अपमान की माला पहनकर आया। दर्पण, तुम चुपचाप वहां से चले आए, जानते हो तुम्हारी खामोशी में मेरी मौत छुपी हुई है। तो मैं क्या कर सकता था, किस्मत की दीवार से सर टकराने की ताकत कहां से लाता? ये ताकत मुझ में है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी खामोशी का मतलब तुम्हारी बुद्धि है। कोई आदमी कायर नहीं होता आरती, सिर्फ हालात उसे ऐसा बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्यार एक तमाशा था, तुमने जो वादे किए थे वो तोड़ने के लिए, मैंने जो सपने देखे थे और जो सपने तुमने दिखाए थे वो झूठे थे। जो सपने टूट गए सो टूट गए। दर्पण, मैंने सोचा था हमारा जीवन मरण का साथ है, लेकिन अब पता चला हम एक नाव में तो राही थे, अनजाने बिगाने नाव किनारे लगी और दोनों अपनी अपनी राह पर चले गए। तुम्हारा प्यार धोखा था, तुम प्रेमी हो, मारुति हो, मक्कार हो।
ये क्या पागलपन, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। इसके लिए ये दरवाजे आज से हमेशा के लिए बंद हो गए। ये क्या किया तुमने? मेरी मंजिल से मुझे क्यों वापस बुला लिया? मिस्टर दर्पण, तुम अपना लाइफ क्यों खत्म करती? लेकिन उस भयानक सफर पर भी क्या चलते रहना, जिस पे कदम कदम पर कांटे हो, कहीं भी छांव ना हो, कहीं भी छाया ना हो। नहीं मिस्टर दर्पण, तुम्हारे लाइफ में जो भी खराबी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। ये क्या कह रही हो लिली? हाँ दर्पण, अब कुमार के हाथ में एक टॉय के माफिक, एक खिलौना के माफिक खेलता रहा। हम इनोसेंट मासूम, हमको नहीं मालूम था ऐसा करने से किसी का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। दर्पण, हमको नहीं मालूम था। लिली, मैं तुम्हारी साफ दिली की दाद देता हूँ, लेकिन जाने अनजाने में जिस रास्ते पर तुमने मुझे डाल दिया है वो रास्ता मौत की तरफ जाता है। नहीं मिस्टर दर्पण, हम तुमको दर्द दिया, हम तुमको दवा देगा। लिली, जो बीमारी हद से गुजर जाती है उसकी दवा नहीं होती। नहीं मिस्टर दर्पण, नहीं, दवा है हमारे पास। हम दो चार दिन से इसी कोशिश में लगा था कि तुम्हारा लाइफ कैसे सेव करेगा। लिली। हाँ दर्पण, हमारे पास पक्का प्रूफ है। प्रूफ, कम ऑन। जब तक आरती और कुमार की शादी ना हो जाए, तुम बाहर मत निकलना, तो बाहर निकले कैसे? बस अगर मैं बाहर ना निकलता आपके लाखों का नुकसान हो जाता। आज दलील खान कहने से लेकर आया है कि हाँ हिमालय होटल में ठहरा है। अच्छा अच्छा, मैं आज शाम को 6 बजे कुमार को हिमालय होटल भेज दूंगा। ओके बस, तुम चलो। यू सिली मैन, ब्रेन से काम लो। जलील खान, हिमालय होटल। आरती, दर्पण, इस तरह चोरों की तरह यहां आने की क्या जरूरत है? अब हमारा संबंध टूट चुका है, चले जाओ मेरे कमरे से। आरती, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूट कर भी कायम रहते हैं। देखो दर्पण, मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ और तुम ये भी जानते हो कि अब मेरी सगाई किसी और से हो चुकी है। मैं जानता हूँ आरती कि तुम्हारी सगाई किसी ने किसी और से कर दी है, लेकिन तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कभी हम तुम भी प्यार करते थे। दर्पण, ये मत भूलो कि मैं उस दिन किसी के मंगेतर हो जाने के बाद भी तुम्हारे दरवाजे पर गई थी और तुमने अपने घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए थे। जिस प्यार की तुम याद दिला रहे हो, उस दिन वो प्यार कहाँ गया था? आरती, प्यार के बाद पर मजबूरियों की खटाएं छाई हुई थी। मैं एक खिलौना था जिसकी चाबी किसी और के हाथ में थी। तुम मेरी मजबूरी की दास्तां सुन लो, उसके बाद जिस नतीजे पर पहुंचो ये तुम्हारी मर्जी। हालात कुछ ऐसे थे कि मेरे दिमाग में ये जबरदस्ती बिठा दिया गया कि मैंने किसी का खून किया है और एक कठपुतली की तरह लोग मुझे नचाते रहे, और मैं ये जानने की आज तक कोशिश करता रहा कि ये खून मुझसे हुआ कैसे। ये बात मैंने तुमसे इसलिए छुपा रखी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग तुम्हें खूनी की महबूबा कह के पुकारें। आज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि जिस आदमी के खून के इल्जाम मुझ पर लगाया गया था वो जिंदा है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, और अब मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये सब कुछ तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए किया गया था। दर्पण, कौन है वो लोग? कहो, कहो ना दर्पण। आरती, अगर मैं सच्चाई से काम लूं तो मुझे खुद गर्ज न समझना। एक तो वो जिससे तुम्हारी सगाई हुई है और दूसरे उसके पिता। दर्पण, तुम्हारे दिल का बोझ तो हल्का हो गया, लेकिन मुझे घायल पंछी की तरह जीना पड़ेगा।
दर्शन, मेरी एक विनती है, स्वीकार करोगे? कहो। मेरे लिए सिर्फ एक काम करो, शराब पीना छोड़ दो। आरती में पीता नहीं था, मुझे पिलाई जाती थी। जो लोग कल तक तुम्हें मुझसे छीना चाहते थे, आज से पुलिस उनका पीछा करेगी, क्योंकि मैं उन्हें फाश कर दूंगा। God, forgive me. भगवान तुम्हें भी माफ कर देगा और मुझे भी। लिली, मैंने जो एक दिन भूल की थी, आज उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैंने एक होने वाली मां का, एक पत्नी का अपमान किया था। कुमार, आओ, आज तुम्हारे सारे दुखों को दूर किए देता हूं। आखिर तुमने दिली के खून से अपने हाथ रंगी दिए, अब तुम मेरे बेटे होने का दावा कर सकती हो। आई एम प्राउड। यस, हेलो बॉस, 004444। यस, 004444, क्या बात है? बॉस, देयर इज अ कॉल फ्रॉम मिस्टर शंकर लाल। गिव इट टू मी। ओके बॉस। हेलो। हेलो जसवंत जी, मैं शंकर लाल बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे कुमार से नहीं कर सकता। जी, इसकी वजह? नहीं, वजह बताने की जरूरत नहीं। मेरी बेटी आप जैसे आदमी की बहू नहीं बन सकती। डैडी, किसका फोन था? गवर्नमेंट का। ये मेरा भाग बहुत बड़ा आदमी है। गंगू, गंगू वफादार गंगू। अच्छा तो शेर सिंह, अब कुछ बिजनेस का बात करें। ओह यस यस यस, कम यहाँ कम यहाँ, इधर आओ इधर। फरमाइए। 25 लाख का सुनहरी किस्त, माल हमारा, दाम तुम्हारा। दाम मार्केट के मुताबिक। खातिर खातिर डिलीवरी के बाद शेर सिंह, अब हम कल मिले। हाँ ठीक है ठीक है, रिमेम्बर सेम कोड 03333, ओके? ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रॉबर्ट, ये आप कुमार ले जाओ। बस, yes. इस आदमी पर मुझे शक है। बगाना, हमारा मौजूद मेहमान हमारी गाड़ी में यहाँ तक आया है, और तुम अच्छी तरह इस जगह इंसान तो क्या, परिंदा भी बगैर हमारी मर्जी के पर नहीं मार सकता। जाओ अपना काम करो। Yes. हेलो डैडी, डैडी मैं कुमार बोल रहा हूँ, हिमालय होटल से। क्या हुआ? यहाँ जलील खान को किसी ने बांध कर रखा हुआ है। बांध के रखा है? देखो तुम उस आदमी से पूछो कि किसने उसकी हालत बनाई है। जी हाँ।
गंगू बॉस, तुम्हारा शक ठीक था, वह आदमी असली जलील खान नहीं था। जाके पता लगाओ कौन था वह रूपिया। ओके बॉस। इतना बड़ा धोखा। अरे दर्पण बाबू, अरे दर्पण बाबू, तो तेरी शादी तो यहाँ भागा जा रहा है। शादी जाए भाड़ में, हम मर्दों का क्या है, जब जी चाह शादी कर ली। अरे लेकिन दर्पण बाबू का जब हो गया। क्या हुआ बोल तो सही। गजब हो गया, अपनी बेबी आरती को और इनके दी को कोई ले भागा। अरे दर्पण बाबू, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, बेबी का क्या होगा। रोने का वक्त नहीं है, मैं समझता हूँ ये लोग कौन हो सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम माँ को लेकर वहां पहुंच जाओ और उनको। लेकिन कहाँ पहुंच जाओ, मैं और वहाँ। अच्छा खैर, मैं आया ना आया लेकिन इन सबको भेज दूंगा मैं। तुम जाओ और जल्दी जाओ। मैं सबको भेज दूंगा। हाय कैसा जमाना आ गया राम जी, ये क्या हो रहा है। सब तैयारियां मुकम्मल है। यस बॉस। आखिर तुम लोग हो कौन, मुझे यहाँ क्यों लाए हो। मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो। तुम्हें चाहे तो मेरी सारी दौलत ले लो। दौलत, शंकर लाल जी, जिस दौलत के मुतालिक आप इशारा कर रहे हैं वो दौलत तो हमारे पास ही बात है, लेकिन इस वक्त हम आपसे आपकी असली दौलत छीन रहे हैं। असली दौलत? हाँ, इंसान की असली दौलत उसकी संतान होती है। संतान? लेकिन लेकिन मेरी तो एक ही बच्ची है। और वही बच्ची अब मेरी बहू बनने वाली है। तुम्हारी बहू? हाँ, जसवंत तुम? हाँ मैं। अच्छा, तो ये सारा मंसूबा। शंकरलाल जी, जिस मिट्टी से हम बने हैं उस मिट्टी ने कभी शिकस्त नहीं खाई। अगर आप सीधी तरह अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे देते तो आज ये नौबत ना आती। शंकरलाल जी, इससे पहले आपने मुझे एक कारोबारी इंसान के रूप में देखा था, लेकिन आज एक शैतान के रूप में देख रहे हैं। कभी कभी शैतान भी दिल लगता है। मैंने आपको इसलिए आज यहां बुलाया है कि आप खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करें। देखिए, एक इंसान होने के नाते मैंने आपको आपके अधिकार से महरूम नहीं रखा। उपदेश मत दो मुझे, तुम इंसानियत से कितने गिर गए हो ये मैं अच्छी तरह से जान गया हूं। बताओ बताओ मेरी बेटी कहां। घबरा क्यों रहे हो। गणपति हवामहे कविंगवीनामुपमस्तवस्तम ज्येष्ठराज ब्रह्मणा ब्रह्मणस्तदान सुन्नूति जसवंत। जसवंत, तुम एक कारोबारी आदमी हो ना, तो आज मुझसे एक सौदा कर लो। शंकरलाल, बेटी की शादी के रोज तुम्हें सौदे की सूझ रही है, बोलो क्या सौदा करना चाहते हो। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे कदमों पे रखने के लिए तैयार हूं। एक दिन मैं भी इंसान था, लेकिन इस दुनिया ने मुझे इंसानियत बना दी। शंकरलाल जी, एक बाप के दिल की तड़प को मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन एक बार इंसान से शैतान बनकर दोबारा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। आरती की शादी कुमार से होकर रहे। ये शादी नहीं होगी। आरती का हाथ एक शैतान के हाथ में नहीं जाएगा। अच्छा, बड़े मियां सो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बेटे, तुम अपनी संजोगता को देखो, इस पृथ्वीराज को मैं संभालता हूं। देखिए, आप मेरे सामने मत आइए, मैं अपनी बाप की उम्र के आदमी के साथ मुकाबला करना नहीं चाहता।
गई। हट जाओ गंदो। जिस शख्स ने अपने बाप की उम्र का वास्ता देकर हमें इज्जत दी है उसे हम जिंदगी का एक और मौका देते हैं। बच्चा मिल गया। लेकिन सीता ये तो बताओ कि हमारा अपना बेटा कहाँ है? क्या बताऊं, आपके चले जाने के बाद मेरे लिए दुनिया अंधेर हो गई। मैं अपने लाल को एक मंदिर के पास खड़ी हुई मोटर में रखकर खुद जान देने चली गई, लेकिन बच्चे के ममता ने मुझे मरने ना दिया। और जब मैं अपने बच्चे को लेने मंदिर लौट आई तो मोटर वहां चली गई थी। सीता बहन, जिस मोटर में तुमने उस बच्चे को रखा था वो मेरी मोटर थी। बहन, दर्पण तुम्हारा ही बेटा है। दर्पण मेरा बेटा है? जी हाँ, दर्पण। दर्पण मेरा बेटा? माँ, दर्पण माँ। माँ उठ बेटे, इनके पाउचो, ये तुम्हारे पिताजी हैं। उस आदमी के पाँव में कैसे छू सकता हूँ जो एक पल पहले मेरे खून का प्यासा था? माँ, मुझे क्या मालूम था कि जिस खून का मैं प्यासा था वो मेरा ही खून है।
जसवंत बाबू, एक पल के लिए जो वासना मेरे दिल में जागी थी उसका प्रायश्चित अनजाने में मैंने दर्पण को सहारा देखा और उसे जिंदगी में सही रास्ता दिखाकर कर लिया है। शंकरलाल, एक दिन मैं तुम्हारा खून करने निकला था लेकिन भूल से तुम्हारी पत्नी का खून कर दिया। तुम? हाँ हाँ, मैंने। मैं ही वो पापी हूं जिसने आरती से उसकी मां को छीन लिया। सीता, अब तुम ही आरती की मां बनकर इसका हाथ दर्पण के हाथ में दे दो। इससे ज्यादा एक बाप को अपनी बेटी के लिए और क्या चाहिए। शंकरलाल जी, आपको याद है एक दिन आपने भरी सभा में ऐलान किया था कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे रहे हैं। आज किस्मत में सचमुच आपकी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दिया। और आपके हाथ कानून के हाथ पे। सीता, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। चलिए डॉक्टर साहब। फूलों की ताजगी हो तुम, शबनम की नाज की हो तुम,